हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो मेरा टिप्स है वो है इस तरह के प्याज को लेकर। जब हम किचन में प्याज कट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी निकल के आ जाता है, और पानी से भी हमारे आँखों में इरिटेशन होने लग जाता है क्योंकि प्याज छीलने का तो बहुत ज़्यादा झंझट नज़र आता है। तो इसके लिए क्या करें, आप एक पानी का बाउल ले लें और उसमें प्याज को इस तरह से बाहर से छील कर इस तरह से कट करके 5 मिनट के लिए आप प्याज को इस तरह से डिप करके रख दें, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आप प्याज को कट कर लें। फिर देखेंगे कि आपके जो आँखों में पानी नहीं आएगा, बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगा, और बिल्कुल जो आपको प्याज छीलने का जो झंझट लगता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा, और 2 मिनट में ही आपके सारे प्याज इस तरह से कट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टिप्स है वो है इस तरह के नाइफ़ को लेकर। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो किचन में जब हम सब्जियां काटते हैं तो नाइफ़ की ना धार ना थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें बार बार मार्केट जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप घर पर ही एक कांच का गिलास ले लें, और उससे ना आप देखेंगे कि बिल्कुल इजी तरीके से आपके जो नाइफ़ की धार है बहुत तेज़ हो जाएगी, और सारे जो नाइफ़ हैं इस तरह से सिर्फ़ एक गिलास से ही आपके नाइफ़ हैं जो बिल्कुल इसकी धार तेज़ हो जाएगी और सब्जियाँ फटाफट कट हो जाएगी, आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, चारों नाइफ़ की मैंने इस तरह से धार तेज़ कर ली है सिर्फ एक गिलास की मदद से। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टिप्स क्या है। नेक्स्ट जो टिप्स है मेरा वो है इस तरह के ग्लव्स को लेकर। जब भी हम बाहर या फिर आउट ऑफ सिटी या फिर घूमने जाते हैं तो हम अपने ब्रश लेकर जाते हैं, तो ब्रश की पैकिंग जो हम करते हैं तो वो पैकिंग करने के लिए आप क्या करें, एक ग्लव्स ले लें और इस तरह से ब्रश की पैकिंग कर लें। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रश हैं वो बिल्कुल क्लीन रहेंगे, और जो भी जिसका भी जो ब्रश होगा वो इस तरह से ग्लव से ही निकाल लेगा और ग्लव्स के अंदर ही रख देगा। तो अब कभी भी बाहर जाएं तो ज़रूर से इस ग्लव्स में ही ब्रश की पैकिंग करें, और इससे क्या होगा कि जो अगर बाहर जाते हैं तो बैग वगैरह में सामान भी रखते हैं तो ब्रश वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा बिल्कुल आपके ब्रश क्लीन रहेंगे। और जब भी आप बाहर जाएंगे ब्रश वगैरह लेकर तो उसकी पैकिंग से ये जो ब्रश है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से रहेंगे, इनके ऊपर कोई भी गंदगी भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट टिप्स जो मेरा है वो देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो मेरा टिप्स है वो इस तरह से चार्जर की वायर को लेकर है। अक्सर क्या, तो जब चार्जर लगाते हैं तो वायर चार्जर लगाने के बाद फ़ोन चार्ज होता है तो वायर इस तरह से लटकी रह जाती है। तो इसके लिए क्या करें, एक ज्वेलरी बैग ले लें, और वो एक ले लें आप डबल साइड की टेप, और उसमें ये लगाकर और जब भी आपका फ़ोन जब चार्ज हो जाए तो इसमें लगा दें, तो रूम में भी ये गंदा नहीं लगेगा, लटकी हुई जो वायर होती है वो गंदी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप पैक करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे सारे टिप्स पसंद आए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई कोई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।